आजमगढ़ की अतरौलिया में सपा प्रत्याशी डॉक्टर संग्राम यादव के पक्ष में सुभाष पै के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। जहरीली शराब से हुई मौतों पर कहा कि यह सरकार शराब पिलाकर लोगों की जान ले रही है। एक तरफ आबकारी विभाग बनाया गया है, दूसरी तरफ मद्य निषेध विभाग बनाया गया है। केंद्र व प्रदेश सरकार ने जनता से जो भी वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इन लोगों को जनता से नहीं बल्कि वोट से मतलब है। जब प्रदेश में लोग कोरोना से मर रहे थे, उस समय भाजपा के लोग बंगाल में प्रचार कर रहे थे। प्रदेश की जनता महंगाई व भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि प्रदेश के 5 जिलों में इस बार बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। इन जिलों में प्रमुख रूप से आजमगढ़, बलिया, मऊ, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर जिले शामिल हैं। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। भाजपा ने जो भी वादे किए, एक भी पूरा नहीं किया। किसान परेशान है, आवारा पशुओं से निजात चाहता है, सरकार की हितरक्षाई से निजात चाहते हैं। सरकार बनाने भर के लिए अभी तक हुए चुनाव में हम जीत चुके हैं। जो जनता का रुझान आ रहा है, वह अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। प्रदेश में नौजवानों को रोजगार चाहिए और यही कारण है कि प्रदेश का नौजवान सपा की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है।